दोस्तों माई मिस्टेक ब्लॉग चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो आज हम आपको इस प्रोग्राम में दिखाएंगे, ये प्रोग्राम का नाम है गाथा महोत्सव। ये दोस्तों आईआईटी कानपुर में 23 जुलाई को चौथा गाथा महोत्सव किया जा रहा है, जो कि एक दिवसीय कार्यक्रम है। इस महोत्सव में एक ही दिन में कई कार्यक्रम निपटा लिए जाएंगे, कर दिए जाएंगे, जो कि आप इस माई मिस्टेक ब्लॉग यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं इस चैनल को। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस गाथा महोत्सव की। एक एग्जीबिशन लगी हुई है जो कि बहुत सुंदर एग्जीबिशन है। ये प्रोफेसर समीर खांडेकर जी की द्वारा लगाई गई एग्जीबिशन है। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं इस गाथा महोत्सव में जो एग्जीबिशन लगी हुई है, बहुत सुंदर एग्जीबिशन है। आप देखिए और आनंद लीजिए इस चैनल के माध्यम से। चैनल का नाम है माई मिस्टेक ब्लॉग चैनल, और आनंद लीजिए। दोस्तों वीडियो को छोड़कर न जाइएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और आप देख रहे हैं गाथा महोत्सव। इस गाथा महोत्सव में आप देखेंगे एक एग्जीबिशन। तो आप पहले गैदरिंग देखिए, ये गैदरिंग कितनी है यहाँ पर, बहुत ज्यादा गैदरिंग है। काफी लोग आए हुए हैं देखने के लिए इस एग्जीबिशन को, और प्रोग्राम गाथा प्रोग्राम को सुनने के लिए। इस एग्जीबिशन का नाम है सीमाओं से परे, गोइंग बियॉन्ड अवर कॉन्फिडेंस। ये देखें आप, सीमाओं से परे एग्जीबिशन का नाम है। और यहाँ पर ये आप देखने के बाद में आप अपने विचार दे सकते हैं एग्जीबिशन कैसी लगी है। तो एंटर करते हैं इस एग्जीबिशन के अंदर। ये प्रदर्शनी लगी हुई है, ये मनोज भाई अंदर जा रहे हैं और यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं। ये देख रहे हैं आप प्रोफेसर समीर खांडेकर जी और बताते हुए दर्शकों को। और देखिए स्टार्ट दिस वे प्लीज, यहां से स्टार्ट होती है ये एग्जीबिशन, बहुत सुंदर। चलें सीमाओं के परे और ये एक एक करके आपको हम दिखाएंगे। और वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये एग्जीबिशन लगी हुई है। ये कानपुर के आसपास की सारी फोटोग्राफी है, और देखेंगे तो बहुत ही, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा इस एग्जीबिशन को देखने में, बियॉन्ड द गोल्डन केज। और आप देख रहे हैं ये डेस्टिनेशंस, और आगे बढ़ते जाइएगा, बहुत ही इंटरेस्ट है। बीट्स एंड रिदम्स, ये संगीत अंगीत दिखाया गया है। ये बीट्स एंड रिदम्स बहुत अच्छी सुंदर ये तस्वीरें कुछ ना कुछ कह रही हैं। कॉलेज 50 किलोमीटर रेडियस अराउंड आईआईटी कानपुर के आसपास के जितने भी कॉलेजेज हैं, 50 कॉलेज हैं लगभग, वो इसमें दर्शाया गया है। यमुना ये ब्रह्मवर्त, ये ब्रह्मवर्त घाट है ये बिठूर वाला। और ये देख रहे हैं कन्नौज, कन्नौज इत्र के लिए जाना जाता है, सोवन सरकार भी है। और दियोदी घाट एंड दमनपुर लोकल प्रोड्यूस, ये सब्जी अब्जी उगाई जा रही है, पटेटो आलू भून के खाए जाते हैं। ये सिंगाड़ा, ये आप देख रहे हैं सिंगाड़ा कैसे उत्पन्न किया जाता है, तवे को है सिंगाड़ा, तिल है, बहुत अच्छी अच्छी ये इसमें दिखाया गया है इस एग्जीबिशन। तिल का पौधा देखिए आप, और ये एग्रीकल्चर दिखाया गया है, फ्लोरिकल्चर, आसगार्ड, हनी हार्वेस्टिंग, विलेज मार्केट, ये आसपास के जो गांव के हैं उसका जो है मार्केट है। ये देख रहे हैं आप, बहुत सुंदर मार्केट है, बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर विलेज मार्केट। और ये स्ट्रीट फूड में समोसा है, आलू है, चाट है, गोलगप्पे हैं, बहुत कुछ है। ब्रिक
क्लिंस। द होली गंगा, और ये गंगा रिवर है, बहुत सुंदर दृश्य है। और यहाँ आपको धन्यवाद देते हैं देखने के लिए, एग्जीबिशन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपने इस कार्यक्रम को देखा, गाथा महोत्सव की ये जो एग्जीबिशन लगी हुई है, इस एग्जीबिशन का आपने आनंद लिया, इस एग्जीबिशन में आपने क्या देखा, आपने क्या सीखा, इसका उद्देश्य है आप कुछ करिए, कुछ काम करिए, कुछ बैठे न रहिए। तो दोस्तों ये इस प्रोग्राम को, इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।